देखो जो फ्री की बात कर रहे हैं, मान सरकार ने फ्री दी 600 यूनिट, मगर जो 601 यूनिट आ गया तो सभी 600 यूनिट के पैसे देने पड़ते थे। मगर जो हमारी अकाली दल की सरकार थी एससी बीसी के लिए, जो जरूरतमंद बंदे थे उनके लिए 400 यूनिट फ्री दी हुई थी। जो मान लो जो एमएसपी का जो मुद्दा है वो सेंटर सरकार का है, और जो स्टेट में सरकार है वो आम आदमी पार्टी की है। जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम हर प्रकार के जो किसानों के जो मुद्दे हैं वो सॉल्व करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज 24 सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर इस समय मैं लुधियाना में हूं। तो दोस्तों देखिए, सरदार विक्रम सिंह मजीठिया जो शायद अकाली दल के हैं, अकाली दल के बड़े ही बड़े बहुत बड़े नेता हैं, और यहां पर आज सिविल हॉस्पिटल जो शहीदों का स्मारक है, शायद नामधारी शहीदी स्मारक है, वहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं, नेता हैं हमारे। सर आपका शुभ नाम? मैं हरपाल सिंह कोहली, सर्कल प्रेसिडेंट श्रोमणी अकाली दल के। साहब ये बताएं कि इस समय आप लोग प्रचार में सब लोग इकट्ठे हुए हैं, आप बताएं कि अगर आपकी पार्टी जीत रही है तो आप लोग क्या पब्लिक के लिए, खास करके बेटियों के लिए क्या कर रहे हैं? देखो जी, श्रोमणी अकाली दल ये हमेशा पंजाब पंजाबीयत ते पंजाबीयत ही हिंदी यूज कर रहे हैं। ये जो श्रोमणी अकाली दल की पार्टी है, ये पंजाबियों की पार्टी है, हमेशा पंजाब के लिए बात करती है। जब सरदार प्रकाश सिंह बादल की सरकार थी तब बेटियों के लिए इन्होंने साइकिल स्कीम शुरू की थी, ताकि जो दूर दराज से जो लड़की आती हैं वो स्कूल में जाने की उनको बड़ी समस्या आती थी, तो इन्होंने एक स्कीम शुरू की थी, सभी बेटियों को एक साइकिल फ्री दिया था। उसी टाइम एक मैंडेटोरी स्कूल खोले गए थे, जिसमें जो 10वीं क्लास में 80% से ऊपर जो नंबर लेके आते हैं बच्चे, उनके लिए हर एक जिले में एक स्कूल खोला था, उसमें 500 पर भर्ती स्टूडेंट की हुई थी, वो फ्री थी बिल्कुल, उनके रहने के लिए फ्री जगह और खाने पीने के लिए फ्री जगह, जो 80% नंबर 10वीं से लेके आते थे प्लस टू तक उनको पढ़ाई फ्री में पढ़ाई की जाती थी, जो बच्चे अच्छी तलीम ले सकते थे उनको उसके बाद भी ऊपर हायर एजुकेशन के लिए भी फ्री में सारी स्कीम सरदार प्रकाश सिंह बादल और सरदार सुखबीर सिंह बादल ने शुरू की थी। अच्छा साहब ये बताएं कि मैंने काफ़ी यहाँ पर अभी काफ़ी टाइम से यहाँ पर मैं रह रहा हूँ, सर्वे कर रहा हूँ, मैं वैसे हूँ एनसीआर से मैं आया हूँ। ये बताएं कि आपके पार्टी का जो कामकाज है लोगों ने पसंद भी किया है, कह रहे हैं लोग कि कामकाज उनका ठीक रहा, लेकिन ये अपना मान साहब है तो मान साहब तो फ्री बिजली का बिल या मोहल्ला क्लीनिंग दे रहे हैं, अगर आप आगे आ रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा आप क्या करने जा रहे हैं? देखो जो फ्री की बात कर रहे हैं, मान सरकार ने फ्री दी 600 यूनिट, मगर जो 601 यूनिट आ गया तो सभी 600 यूनिट के पैसे देने पड़ते थे, मगर जो हमारी अकाली दल की सरकार थी एससी बीसी के लिए, जो जरूरतमंद बंदे थे उनके लिए 400 यूनिट फ्री दी हुई थी। जो मान लो किसी का 700 यूनिट बिल आता है तो 400 माइनस करके उसको 300 के पैसे देने पड़ते थे, मगर इनकी जो स्कीम है कि 601 आ गया तो 600 के पैसे दे दो जी, ये तो कुछ स्कीम नहीं है जी, ठीक है ना, उनका अपना तो स्कीम है ना। हाँ ये है, मगर जो हमारी सरकार आती है जब लोकसभा विधानसभा की पड़ेंगी इलेक्शन होगी तो हमारी सरकार जो सीनियर नेता है हमारे वो बैठ के एक मैनिफेस्टो तैयार करेंगे, उसके तहत सभी की जो जरूरतमंद है पब्लिक की, क्योंकि पंजाब की जो जनता है तो अकाली दल के अलावा कोई भी बंदा पंजाब की जनता की दुख तकलीफ को नहीं समझ सकता। हूँ इधर लुधियाने की आपके बात करते हो, कांग्रेस का कैंडिडेट है वो लगभग 300 किलोमीटर से दूर से आया हुआ है जी, राजा बड़ी जी। उसने बताया कि मेरे हाथ में एक लकीर है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, 200 बार विधानसभा की इलेक्शन है, ठीक है जी, लुधियाने को फिर खाली छोड़ दिया जाएगा, वो MLA के लिए इलेक्शन लड़ेगा, ऐसे नेता को क्या जिताना हमने जो हमें ही छोड़ के चला जाए। अच्छा साहब ये बताएं कि अगर आगे आपकी पार्टी आती है तो आप मुख्यमंत्री के रूप में कौन सा चेहरा आप फ्रंट पर लाएंगे? सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, बादल साहब को लाएंगे, बादल साहब, जो उनकी दूरदर्शी है वो किसी की नहीं है जी, बहुत पढ़े लिखे इंसान है वो, बहुत पढ़े लिखे इंसान है, उन्होंने पंजाब को बोला था, एक चीज बोली थी, जो उन्होंने किया वो करके दिखाया, बोला मैंने पंजाब बिजली सरप्लस करनी है तो उन्होंने करके दिखाई, उन्होंने करके दिखाई, उन्होंने क्या कि मैंने रोड जो जाल बिछाना है उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने क्या मैं इधर एम्स लेके आऊँगा लेके आई, उन्होंने बोला कि मैं एयरपोर्ट बनाऊँगा एयरपोर्ट बनाया,
अकाली दल की कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो उन्होंने इलेक्शन में बोला हो और पूरा ना आया हो। सो विरोधी भी यही जानते हैं। सुखबीर सिंह अकाली दल, रणजीत सिंह ढिल्लों, बाल कोहली, सरदार सरदार सिंह कोहली, सरदार जी सिंह ढिल्लों, जिंदाबाद। अच्छा साहब ये बताएं कि जैसे अब आप कह रहे हैं कि सुखबीर सिंह बादल साहब आएंगे, लेकिन ज़्यादा जो फ्रंट पर फेस हम देख रहे हैं उनकी जो मैसेज हैं, उनका नाम तो मैं भूल गया, हरसिमरत कौर बादल, उनका ज़्यादा नहीं, हरसिमरत कौर बादल जी हैं, मगर देखो कोई भी पार्टी काफी टैलेंटेड और दिखती है, अभी मैं उनसे मिल तो नहीं पाया। बताता हूं जी, कोई भी पार्टी है वो स्टेट में भी अपना रूल करती है, जो एमपी जो पंजाब की बात वो लोकसभा में भी उठाने के सदन में बहुत उठाती हैं, मैं उनको देखा हूं काफी नजदीक से देख रहा हूं। इसके लिए हमें पढ़े लिखे और तेज तर्रार इंसान चाहिए, वो हरसिमरत कौर बादल जी हैं, वो सेंटर में देखेंगे और सुखबीर सिंह जी बादल वो पंजाब में देखेंगे। अच्छा साहब, अगर प्रधानमंत्री पद की अगर जरूरत पड़े आपकी पार्टी के हिसाब से, तो क्या आप हरसिमरत जी को आप पेश करेंगे आगे? पार्टी देखेगी प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि हमारा तो अकाली दल है वो। नहीं तो ये तो माना। आपका शुभ नाम? मनजीत कौर बसरा। थोड़ा आप हिंदी यूज करना क्योंकि हमारे दर्शक ज्यादा हिंदी के। मनजीत कौर बसरा। हमारा मनजीत कौर बसरा है। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि मैं सुना हूँ कि अगर आपकी पार्टी आगे आ रही है तो क्या आप लोग प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट हरसिमरत कौर जी जो हैं? बिल्कुल जी, 100% हरसिमरत कौर बादल जो कि बहुत बढ़िया कैंडिडेट है, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आज तक जो भी काम किया उन्होंने बहुत बढ़िया किया, क्योंकि मैं सदन में भी उनको देखा हूँ नज़दीक से कि बहुत अपने आवाज़ को बड़ी बुलंदी से उठाती हैं और पब्लिक उनको ज़्यादा लाइक करती हैं, और ईश्वर करें वो आगे बढ़ें, क्योंकि ऐसे नेताओं की जरूरत तो होती है समाज को। अच्छा ये बताएं कि आप लोग, आप खुद एक लेडीज हैं, तो पंजाब के लिए लेडीजों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? लेडीज की ये सब कुछ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बताएं आप आखिर एक चीज़ तो बताएं, क्या क्या आपका इस समय जो मैनिफेस्टो, आप उसमें क्या क्या रखे हैं बताएं थोड़ा? उसमें जो भी है मतलब नन्ही छाएं के लिए बहुत बढ़िया उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया हुआ। अच्छा। और जो बच्चे अनाथ है उनके लिए बहुत बढ़िया दिया हुआ, और जो राशन दाल आटा सबसे पहले इन्होंने ही लगाया सी, हरसिमरत बादल जी ने किया था, तो आज तो दाल खत्म कर दिया, झाड़ू वाले ने तो बिल्कुल खत्म कर दिया जी। और जो बीजेपी है उसने तो बिल्कुल फट्टी पहुँच दिया, ऐसी सरकार नहीं आनी चाहिए। अच्छा ये बताएं कि आप कह रही बीजेपी ने फट्टी पहुँच दिया, अच्छा 80 करोड़ लोगों को बीजेपी राशन दे रही है, पूरे पूरे देश में दिया जा रहा है, सबको दिया जा रहा है, गरीब अमीर सब को तो जी नाम, ये तो नाम है, ये तो बादल सरकार दे रही है, वो ही दे रहे हैं ना, अब कौन सा है अपने दे रहे अपने पास से दे। सर आपका शुभ नाम? प्रकाश डाबी। डाबी साहब ये बताएं कि जो किसानों का मैटर है, क्या आप लोग अगर आ रहे हैं क्या सॉल्व कर देंगे? हाँ अकाली दल कर देंगे, ये लोगों का विश्वास है कि जब अकाली दल की सरकार सत्ता में आएगी तो वो किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का सबके मसले हल होंगे, ये सरदार सुखबीर बादल का कमिटमेंट है पंजाब के लिए। अच्छा साहब ये बताओ कि किसान काफ़ी संख्या में, मैं वहीं था जिस समय लड़के के आंख पर गोली लगी थी, उस समय मैं वहीं पढ़ता पत्रकार, मैं देखी हुई बात है मेरी, इतनी संख्या में मतलब इतना परेशान वहाँ किसान हो रहे हैं, तो कितना जल्दी आप लोग सॉल्व करवा रहे हैं? वो तो देखो जो MSP का जो मुद्दा है वो सेंटर सरकार का है, और जो स्टेट में सरकार है वो आम आदमी पार्टी की है, जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम हर प्रकार के जो किसानों के जो मुद्दे हैं वो सॉल्व करेंगे, और जो श्रोमणी अकाली दल ने किसानों के लिए किया है, मोटर सबसे समरसीबल के पाइप और किसानों को सब्सिडी हर प्रकार की उन्होंने दी है, और उसके अलावा जो सेंटर सरकार की जो स्कीम है वो तो स्टेट की, स्टेट सरकार ने लागू करनी होती है, अगर ये नहीं कर रही तो इसमें तो श्रोमणी अकाली दल का कोई रोल नहीं है। अगर आते हैं तो, अगर देखो ये MP के इलेक्शन है, अगर MP के इलेक्शन के अंदर हम जिम्मेवारी के तौर पे अगर हम पार्लियामेंट में जाएंगे हमारे सदस्य, और वो किसानों की बात को जोर शोर से रखेंगे, बीबा हरसिमरत कौर बादल ने जब भी कभी पंजाब के किसानों की बात वो रखती है, हाँ वो रखती है, और वो यहाँ के मजदूरों की भी बात बहुत मजबूती से रखती है, बहुत मजबूती के साथ। अच्छा सर ये बताएं कि पंजाब के अंदर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, यहाँ तक कि बाहर लोग जा रहे हैं, बच्चे काफ़ी बच्चे हर साल 20,000 बच्चे
यहाँ के काउंटिंग के हिसाब से निकल रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जब सत्ता के अंदर आम आदमी पार्टी जब आई थी, उन्होंने एक कमिटमेंट की थी कि हम पंजाब से जो बच्चे हैं हम विदेशों में नहीं जाने देंगे, यहीं भी रोज़गार लेके आएंगे। वो उस काम को लागू करने में ना असफल रहे हैं। मेन कारण क्या है, उन्होंने यहाँ पे जो बेरोज़गारी का मुद्दा उठाया था, बेरोज़गारी कम करने की बजाय बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ा दी उन्होंने। तो सबसे मेन पॉइंट यही है श्रोमणी अकाली दल का कि अगर उनकी सत्ता में जब भी सरकार आएगी तो वो लोगों को यहाँ पे रोज़गार उपलब्ध कराएगी। अच्छा, एजुकेशन के बारे में आपका क्या कहना है? पंजाब का जो एजुकेशन है उसमें क्या आप लोग ला रहे हैं, न्यू क्या ला रहे हैं? देखिए, अगर जब सत्ता में सरकार आएगी तो श्रोमणी अकाली दल पार्टी की एक ही कमिटमेंट है कि पंजाब के अंदर हम एजुकेशन को मजबूत करेंगे और एजुकेशन को इस स्तर पर पहुंचाएंगे ताकि बाहरले सूबे से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आएंगे और हाईटेक एजुकेशन बोर्ड बनाए जाएंगे ताकि लोग पढ़े लिखे अच्छी एजुकेशन लेके आईएएस आईपीएस जो भी बन रहे हैं। अभी पंजाब के अंदर ग्रोथ बहुत कम है, आईएएस आईपीएस बनेगी। यूपी बिहार और राजस्थान के अंदर पंजाब से 10 गुना ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा बिहार में। हाँ जी, सबसे ज़्यादा वहाँ। तो एक गाँव ऐसा है जहाँ पर आईएएस के लोग ही हैं, वो कहा ही जाता आईएएस का गाँव। हाँ जी। तो अच्छा ये बताएं, आईएएस बनने की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन आईएएस बनने के लिए हर बच्चा तो फीस अफोर्ड कर नहीं सकता इतना। हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोग गरीब बच्चों के लिए, खास करके बेटियों के लिए क्या कर रहे हैं ऐसा कि जो बेटियां समाज में आके आईएएस पीसीएस ऑफिसर बनने के लिए अपने आप को अपना टैलेंट दिखा सके? वो तो जो सत्ता में जब सरकार आ गई और जो हमारे पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं वो इस बात को वो रख के अपने मैनिफेस्टो में लेके आएंगे। मैं तो पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, एक सिपाही हूँ पार्टी। आप कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, लेकिन सिपाही का भी तो सोच जो होती है कार्यकर्ता ही है। हाँ जी, हाँ जी। आगे तो वही, तो आप ही तो आगे। हाँ जी, बिल्कुल वो सोच है। आपकी पार्टी की सोच वही होगी जो आप बोलेंगे? अगर सत्ता में हमारी अगर सरकार आएगी तो मैं आपसे इस चीज़ का वादा करता हूँ, आज श्रोमणी अकाली दल पार्टी के जो सुप्रीमो है सरदार सुखबीर बादल, उनकी एक ही सोच है, अगर जब भी वो सत्ता में आए आने वाली चुनाव के अंदर तो वो पंजाब में बेटियों के लिए अच्छी एजुकेशन का इंतज़ाम करेंगे और एक लॉ एंड ऑर्डर जो पंजाब में आजकल बिल्कुल ख़राब है, और लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, बिल्कुल माहौल ख़राब है पंजाब के लोगों के अंदर, बिल्कुल सिस्टम नहीं सही है यहाँ। हर तरफ डर और लूट खसूट, चोरी चकारी, सरेआम बदमाशी, यही सब कुछ चल रहा है। ये चीज़ें ख़त्म होगी और एक साफ़ सुथरा एक अच्छा माहौल मिलेगा, बेटियों को पढ़ने का एक अच्छा सुनहरा मौका मिलेगा। क्या सुनहरा मौका आप लोग दे रहे हैं बेटियों को? क्या फीस फ्री करेंगे आप लोग? हाँ जी, फीस फ्री हुई हो सकती है, कुछ भी कर सकते हैं, वो तो पार्टी सुप्रीमो का काम है, हमारा नहीं है। हम तो सिर्फ, हमारी सोच ये है कि जब भी सत्ता में सरकार आएगी तो अच्छी एजुकेशन मिलेगी, हो सकता है फीस फ्री भी हो सकती है, क्योंकि आगे सरदार सुखबीर बादल ने बेटियों की पढ़ाई के लिए फीसें फ्री भी की है, शगन स्कीम भी चलाई, बहुत कुछ किया। सर आपका शुभ नाम? हरजीत सिंह राजन। सिंह साहब ये बताएं कि अगर आपकी सरकार आती है या एमपी में आप लोग जीतते हैं तो क्या बेरोजगारी के लिए आप लोग क्या करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इसके बारे में? हम इस मुद्दे को पूरी तरह उठाएंगे और बेरोजगारी को ख़त्म करने के कोई ना कोई संसद में आवाज़ उठाएंगे। इस संसद में तो आवाज़ उठाना तो अच्छी बात है, लेकिन मजबूती इसमें आप क्या लाएंगे? आवाज़ उठाने में और क्रिएट करने में बहुत फ़र्क होता है। पंजाब में जो इंडस्ट्री प्रोजेक्ट हैं उनकी बहुत जरूरत है। हाँ जी, क्योंकि अगर इंडस्ट्री प्रोजेक्ट लगेंगे तो कुछ हद तक जी बेरोजगारी खत्म हो सकती है। अच्छा साहब ये बताएं कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आप क्या करने जा रहे हैं, बच्चों को क्या देने, खास करके बेटियों के लिए क्या करने जा रहे हैं आप लोग? बेटियों के लिए पहले भी हमारे जो मिनोरिटी सेक्स थी या घोर मिनोरिटी आ रहे थे उनको वजीफा हमारी सरकार देती थी, इससे ज़्यादा वजीफा है जो उसकी तादाद बताई जाएगी परसेंटेज। अच्छा साहब ये बताएं कि यहाँ पर थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर का शिकायत आ रही है कि चोरी, छीना झपटे, किसी का मोबाइल छीन लेना, पैसे छीन लेना, उसके बारे में आपका क्या कहना? अगर आप आ रहे हैं तो क्या करेंगे इसके लिए? उससे सबसे पहले हम अवेयरनेस पैदा करेंगे, क्योंकि ना तो प्रशासन कर सकता है ना ही कोई सरकार इसका कर सकती, इसका सिर्फ एक ही इलाज है अवेयरनेस, लोगों को जागृत करना। सर अगर आपकी सरकार आ रही है तो बेरोजगारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार आएगी विकास होगा, पिछले टाइम पे देखो 7 साल हो गए, विकास नहीं, बहुत नुकसान हो रहा है। दोस्तों देखिए कितनी संख्या में यहाँ पर मजीठिया साहब आ चुके हैं और आगे निकल गए हैं, क्योंकि बहुत भीड़ थी, बात नहीं हो पाई। तो दोस्तों मैंने दिखाया आपको सरदार मजीठ सिंह
मजीठिया साहब आए थे और अकाली दल के कार्यकर्ता है, सबसे मैंने बात किया, सारे मुद्दों पर मैंने खुले दिल से चर्चा किया। तो दोस्तों अब आज का ये मैं प्रोग्राम ही ख़त्म कर रहा हूँ। अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आए तो हमारे न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।